प्यारा लग रहा है यार, सीधा एफिल टावर। आज महल भी थोड़ा लाइट अप हो चुका है, आप देख सकते हैं टावर ऑफ पीसा एंड दिस। 10 रुपीज पर पर्सन की टिकट है या सकते हो कितना खूबसूरत। मेरे यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है कसम से, पर जाके अभी सो ही जाते हैं। बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका साउथ सुमार खुश आमदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है अजमेर का 3rd दिन गाइस, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जा रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अजमेर में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करके यहाँ पे एक जगह बनी है और बहुत अच्छा है। वहाँ पे मीन्स ताजमहल, आईफिल टावर सब बहुत अच्छी खासी साइज में बना है, जाके देखते हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे मिल रही है राजस्थानी चाय, ये ट्राई करेगा क्या राजस्थानी टी। फिलहाल तो जा रहे हैं, आके रिटर्न ट्राई करेंगे। तो गाइस ये है दरगाह बाज़ार, और दरगाह बाज़ार से हम लोग जा रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी फ़िलहाल हमको डायरेक्टली वो पूरी एरिया, मतलब वो पूरा एरिया हमें क्रॉस करना है, और ये है अजमेर की बाज़ार माशाल्लाह। तो चलो चलते हैं अजमेर में, वो भी एक्सप्लोर करते थे आज का दिन। और फिलहाल हम लोग यहाँ से हैं अजमेर के बाज़ार में, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं ये गाइस अजमेर का पूरा बाज़ार। पीले पीले भी ये भी, अगर टाइम रहेगा तो हम पूरा बाज़ार यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल गाइस चलते हैं और 7 वंडर्स एक्सप्लोर करते हैं अजमेर का, राजस्थान का, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। मेरे जो पप्पू है वो जा चुके हैं, तो वो बताए कि वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर 7 वंडर्स। फिलहाल हमें यहाँ से लेना है रक्षा वहाँ से जाने के लिए, कुछ 20-30 मिनट की दूरी है। लेट्स गो, चलो चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शा में, ये छोटी सी रिक्शा है, 6 लोग हम लोग एडजस्ट हो गए यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं 7 वंडर्स या कि अजमेर में। हम प्यारा मौसम है गाइस, आप देखिए एकदम कोल्ड कोल्ड, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी आपको मैं सीधा सीधा मिलता हूँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के गार्डन। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इतना मस्त यहाँ पे सीनरी देख रहा है गाइस, अलग ही मज़ा आ रही है। यहाँ से गाइस 10 या 20 मिनट कुछ दूर है जो 7 वंडर्स का जो गार्डन है, और यहाँ पे इतनी मज़ा आ रही है, इतनी अच्छी सीनरी दिख रहा है, और ये जो रिक्शा भी वो भी पूरी ओपन है। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ठंडा ठंडी हवा लेते हुए। ये ओपन गाड़ी, जैसे आप देख सकते हैं ओपन रिक्शा यहाँ पे अजमेर में चलती है, ये ओपन रिक्शा में, और फाइनल हम लोग रीच हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ बाहर से ही दिख रहा है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। सी गाइस, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये रहा अपना आईफिल टावर। ये बाहर हम लोग रोड पे खड़े गाइस, रोड से ही ये इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, फिर भी अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा कि नाम लिखा होगा अंदर। यार गाइस सारे वंडर्स के नाम मैं भूल चुका हूँ अंदर जाके सारे वंडर्स के नाम पढ़ते और मैं आपको फिर बताता हूँ। बाप रे गाइस, अंदर जाने के लिए तो आप मजबूत लाइन लगी है, देखो गाइस या तो मजबूत लाइन लगी है, इतनी सारी लाइन। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी लाइन होगी। अरे बाप रे बाप, हो जाओ गाइस लाइन में खड़े, इतनी बड़ी लाइन लगी है।
हम लोग गाइस यहाँ पे खड़े हैं लाइन के अंदर, मम्मी वहाँ पे निकाल रहे झोल झोल झाल करके एक टिकट। यार इतनी लाइन लगेगा, साफ साफ दिखाएंगे साफ अंदर जाके। गाइस यहाँ है सेवन पूरे वंडर्स, आईफल ये सारे वंडर्स यहाँ पे है। और रश भी यहाँ पे अच्छी खासी रश है, अच्छी खासी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। आज ओनली 10 rupees पर पर्सन की टिकट है, यहाँ का अगर आपको एंजॉयमेंट मज़े लेना है ओनली 10 rupees टिकट है ये। और ये गाइस है हमारे इंडिया की शान माशाल्लाह ताजमहल, और गाइस लिटरली ऐसा दिख रहा है इतना बड़ा बना है ये, आप ही देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, बहुत ज़्यादा इसकी हाइट बहुत अच्छी बनी है, और जो अंदर काम हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देखिए खाली कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ऐसे और 7 अजूबे हैं तो हम सब कवर करते हैं। और गाइस अब आ चुके हैं हम ताजमहल से डायरेक्ट आईफल टावर। गाइस कितना बड़ा बना है, जस्ट सी द हाइट, यार कितना बड़ा बना है। चलो जाते हैं आईफल टावर के अंदर। वाव अमेजिंग। I am literally standing in the bottom of the Eiffel Tower. See. So guys, आप जैसे कि देख सकते हो मस्त Eiffel Tower यहाँ पे बना है। यार साइज उनको यकीन नहीं था कि इसकी साइज इतनी बड़ी होगी, आप देखिए मतलब यार अच्छी खासी साइज है। और ताजमहल तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली मैं ताजमहल के सामने खड़ा हूँ, ताजमहल की साइज बहुत अच्छी है। और दो चार है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। और ये गाइस हम आ गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये एरिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये कितना बड़ा है गाइस देखो, सी यार प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पा रहा बिकॉज धूप जा चुकी है, बट आई ट्राई टू शो यू। सी गाइस, और गाइस ये आ चुके हैं हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में। जैसे अच्छी खासी इसकी हाइट है, इसकी हाइट अच्छी खासी बनी है, मीन्स यहाँ पर जितने भी वंडर्स बने ना उसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, जिसकी वजह से ना एकदम रियलिस्टिक मीन्स फील दे रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल जैसे कि सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है तो लाइट भी जल चुकी है, जो इस लाइट ने थोड़ा वो कर दिया बिकॉज एकदम लाइट ऑड लग रही है एकदम। और अब फिलहाल देखते हैं हम वहाँ पर पिरामिड। एंड गाइस ये देखो यहाँ पर पिरामिड बना है, बट पिरामिड बस ये लोग ने यहाँ पे लाइट लगा दी है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बाकी बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। सीरीज ये है पिरामिड यहाँ पे बना है, और इसकी भी हाइट अच्छी खासी आप देख सकते हो कितनी बड़ी हाइट है इसकी, ऐसा लग रहा है लिटरली मैं पिरामिड के सामने खड़ा हूँ, अच्छी खासी हाइट है इधर भी। और गाइस हम यहाँ पे आ गए क्रिस द रिडीमर में। सी गाइस ये भी बहुत मस्त लग रहा है, देखिए इसकी हाइट भी कितनी बड़ी है, इसकी हाइट आप देखिए कितनी बड़ी हाइट है यहाँ पे, लाइट्स थोड़ा ऑड कर देती है बाकी परफेक्ट। नेक्स्ट अजूबा है अपना पीसी का झुकी मीनार, आप ये पढ़ सकते हो। और ये देखिए सी द गाइस हाइट, हाइट देखिए आप कितना बड़ा है यार गाइस। यहाँ पे किस चीज़ का गेट दिया है, कितना बड़ा है यार ये। मैं कैप्चर भी नहीं कर पाऊँ सेल्फी कैमरे से कि इतना बड़ा है यार गाइस, यार बहुत ज़्यादा सही बना है यार गाइस, बहुत ज़्यादा सही। अगर आप अजमेर आओ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आप यहाँ एक बार विजिट करिए, सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इतना मस्त दिख रहा है, इतना मीन्स क्लोज टू रियलिटी, मीन्स क्लोज टू रियलिटी, बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड भी देखो जो वर्क भी किया है ना गाइस, जो एकदम मस्त यार, मज़ा आ गई देख के। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोलीजियम, ये कोलीजियम है गाइस जैसे कि देख सकते हो आप,
आप ये स्टॉप करके पढ़ सकते हो, रोम के शहर में, इटली में है ये। आप ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, सीरियस ये पूरा राउंड है यहाँ से। तो क्या आप देख सकते हो गाइस कितना बड़ा बना है ये भी स्कल्पचर, सी एकदम मौसम दिख रहा है। चुका है नाइट, तो गाइस अपना ताजमहल भी थोड़ा लाइट अप हो चुका है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये लाइट अप हो चुका है, इतना प्यारा लग रहा है, सी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये भी लाइट अप हो गया है, अपना आईफिल टावर का जो लाइट अप है वो ब्लूइश सा हो गया है, अगर यहाँ पे गोल्डन लाइट्स लगा तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे ग्रीन लाइट्स लगी है, एंड ये द क्रिस द रेडिमर पे भी ये लाइट ठीक ठाक ही दिख रही है, और ये अपना लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड दिस, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइट्स में। और गाइस अगर आप आते हो फैमिली के साथ तो यहाँ पे एक अलग से फूड कॉर्नर भी, यहाँ से आप फूड भी खा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, और फिलहाल हम यहाँ से नहीं खा रहे बिकॉज हम जाके दरगाह पे खाएंगे। और आप जैसे कि देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से यार, गाइस खाली देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइट अप हो चुकी है सारे जितने भी 7 वंडर्स हैं, और अपना ताजमहल तो माशाल्लाह ही दिख रहा है यार, क्या प्यारा दिख रहा है सीरियस। अपना आईफिल टावर देखो गाइस, आईफिल टावर, ब्लूइश आईफिल टावर देखिए। और फिलहाल गाइस हम इस ब्यूटीफुल से 7 वंडर्स को यहाँ से बाय बोलते हैं। यार गाइस मैं आपको ज़रूर प्रीफर करूँगा, अगर आप यहाँ पे आओ अजमेर शरीफ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो यार, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको मैं अभी यहाँ से आईफिल टावर, सीरियस आईफिल टावर गाइस ब्लूइश, क्या प्यारा लग रहा है यार, सीधा आईफिल टावर। बस थोड़ा कलर ये ब्लूइश हो गया इससे थोड़ी ऑड सा लग रहा है, बाकी इट्स ओके। एंड अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा दरगाह पे। और ये एकदम बीचों बीच बना है अपना गाइस ताजमहल, गाइस हम लोग ये निकल चुके हैं बाहर, और ये देखिए बाहर से इसका ऐसा व्यू आ रहा है, कुछ दो तीन चीज़ें ही दिख रही है यहाँ पे, एंड आईफिल टावर। अभी गाइस लगी थोड़ी थोड़ी सी भूख तो कुछ खा लेते हैं, और फिलहाल गाइस हम लोग ये खा रहे हैं रगड़ा पेटी से ना, ये रगड़ा पेटी से, ये रगड़ा पेटी से हम लोग खा रहे हैं अभी यहाँ से, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। पानी पूरी भी है बट पानी पूरी मेरा इतना फेवरेट नहीं है, बट ये मेरा यहाँ का बहुत फेवरेट है। ये आ गई मेरी प्लेट गाइस, क्या प्यारी दिख रही है यार एकदम, और टेस्ट है कि नहीं, चलो खा के देखते हैं। हम लोग रोड के बीच में राजस्थान में, मतलब अजमेर में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका टेस्ट करके देखते हैं गाइस, हम लोग अब इसका टेस्ट करके देखते हैं। डिलीशियस गाइस, बहुत ज़्यादा स्पाइस में भी एक नंबर है, ऊपर दही डाली है, चटनी भी है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्ट। और देखो यहाँ पे एक पेजेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी गाइस। अभी फिलहाल हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद जाइए दरगाह शरीफ। कुछ भी बोलो गाइस, ठंडी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है यार। और फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शा में, और पीछे की साइड हम लोग बैठे रिक्शा में, मैं आपको बताऊं गाइस हम लोग बैठे एकदम पीछे और गाइस हम लोग पीछे बैठे ओपन में, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे पीछे, बहुत ज़्यादा ठंडी 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 हवा आ रही है यहाँ पे, मजा आ रही गाइस, पूरा ओपन है थ्री हम लोग यहाँ पूरा ओपन में बैठे हैं, पैर भी हम लोग का यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे बैठे हैं, और हम लोग फिलहाल यहाँ पे अजमेर
फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाजार गली की तरफ, और मेरे को भूख लगी, मेरा फेवरेट यही पार्सल ले रहा हूँ, रूम पे जाके खाऊंगा। आई लव दिस लगरा पेटीज, और ये मैंने ले लिया लगरा पेटीज पार्सल, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पे जब भी आता तो मैं ये ज़रूर खाता हूँ। हमारा भाई फुल आशिकी 2 का हीरो लग रहा है विद मफलर पहना हूँ, और ये, और अभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं बाजार गली, शायद रूम पे जाएगी थोड़ा फ्रेश होके फिर दरगाह शरीफ पे जाएगी। आज पूरा दिन हम लोग दरगाह शरीफ में गए। तो भाई मॉम और पप्पू तो लोग कर रहे हैं कुछ शॉपिंग, और अब उन लोग शॉपिंग करें तो आपको पता है कितना समय लग सकता है। तो हम लोग तीनों हैं, भाई और डैड, जा रहे हैं रूम पे जाके फ्रेश होके फिर जाएंगे दरगाह शरीफ पे, बिकॉज आज पूरा दिन हम लोग दरगाह शरीफ में निकले। अफसोस, बिकॉज यार इतनी ठंडी ना, यहाँ पे बॉडी एकदम रेस्ट हो जाती है, ऐसा मन करता है कि बस रेस्ट करते रहो। तो फिलहाल जाते हैं रूम पे, खा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, दन जाते हैं दरगाह शरीफ पर। कुछ भी बोलो, रात में अजमेर क्या खूबसूरत लगता है, हर जगह लाइटिंग, शॉपिंग्स की दुकान। हमें गाइस जाना है वो गेट तक, जैसा कि आप देख रहे हो। और फिलहाल हम इतना दूर है अभी। ये गाइस मैंने अपने मोबाइल में स्टेडी मोड ऑन कर दिया, बताना आपको स्टेबलाइजेशन कैसा लग रहा होगा। ये सबसे बेस्ट फीचर है सैमसंग का, स्टेडी मोड। और ये हम आ गए गाइस गरीब नवाज के मेन गेट पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये गेट से लेफ्ट मारते ही हमारा आ जाएगा गेस्ट हाउस। अब इंशाल्लाह फ्रेश होके अंदर आता है। तो फिलहाल गाइस रूम पे हम लोग आ गए थे, रूम पे कुछ लाइट्स हम लोग ने खाना खा लिया, बहुत ज्यादा भूख लगी थी बिकॉज 7 विंडोज में हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो अभी जा रहे हैं दरगाह शरीफ की तरफ, तो चलो चलते हैं, जाते हैं दरगाह। एंड गाइस माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है, आज न्यू लाइट्स लगी आई थिंक सो। चलो जाते हैं थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये छोटी डेक में शायद कुछ नियाज बन रही है, और ये रही बड़ी डेक। ये मस्जिदों में लाइट भी जल गई है माशाल्लाह। ओहो गाइस माशाल्लाह यहाँ पे न्यू लाइट्स लगी है, तो गुंबद और खूबसूरत दिख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह और गुंबद खूबसूरत दिख रहा है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो। माशाल्लाह गाइस आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मेरे ख्वाजा का ये गुंबद लग रहा है माशाल्लाह। और आज न्यू लाइट्स लगी है तो और ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और एग्जैक्टली गुंबद के ऊपर मून है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। यार गाइस कुछ भी बोलो, यहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा है, 11 से 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और हद से ज़्यादा ठंडी लग रही है। इतना सारा कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड हद से ज़्यादा है। मुंबई के रहने वालों को इतनी ठंड शायद ही जमे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठा था सुकून से मस्जिद में, अकबरी मस्जिद में दुआ मांगा, नमाज़ पढ़ा, ईशा की बाकी थी, ईशा की नमाज भी हो गई। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, हद से ज़्यादा, पूरा मैं मेरी बॉडी सुन हो चुकी, इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, लिटरली सुन हो चुका हूँ मैं। और यहाँ पे इतनी मज़ा आती है ना, वैसे भी यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता यार।
बट जाते घर पे सो जाते रेस्ट करते। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ये गुंबद, मैं आपको दिखा देता हूँ रात का मंजर। ये मस्जिद है पूरी, ये कपड़ा लगा आप जैसे कि देख रहे हो पीछे, इसलिए ही लगा है कपड़ा क्योंकि अंदर थोड़ा गर्म रहता है। सी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा के देखो ना एक बार। और जैसे कि आप देख सकते हो पूरी दरगाह अभी यहाँ पे खाली भी हो चुकी है, पूरी दरगाह खाली हो चुकी है बिकॉज अभी रात के बज रहे हैं 12। रात के फिलहाल बज रहे गाइस 12, दरगाह भी खाली हो चुकी है। तो फिलहाल मैं ये ब्लॉग यही एंड करता हूँ गाइस। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, 7 वंडर्स जो आपका मैंने दिखाया, होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। नए हो अगर इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अजमेर में हूँ मैं तो ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए मैं लाता रहूँ। फिर गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यार यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है कसम से, पर जाके अभी सो ही जाते हैं। बाय।